हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सुराज संकल्प के वादे को निभाते हुए 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के क्रम में वसुंधरा सरकार ने 54,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर फरवरी 2018 में परीक्षा आयोजित करवाई और अप्रैल 2018 तक इसका परिणाम भी घोषित कर दिया। अब बारी थी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की, लेकिन युवा हितैषी बताने वाली कांग्रेस को मात्र 3 माह में पूरी हुई इस भर्ती प्रक्रिया की सफलता रास नहीं आई। परिणाम के 4 दिन बाद ही कांग्रेसी कार्यकर्ता महेंद्र जाटोलिया और कमलेश चौधरी ने कांग्रेसी वकील विज्ञान शाह के माध्यम से उच्च न्यायालय में निराधार आरोप के साथ याचिका दाखिल कर दी। लेकिन वसुंधरा सरकार ने अपनी सूझबूझ से अनुभवी वकीलों की टीम तैयार कर अधर में लटकी इस भर्ती को संकट से निकाल दिखाया और मई 2018 में हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए। लेकिन कांग्रेस ने जैसे मानो युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने की सौगंध ही खा रखी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधिवक्ता आरएन माथुर मैदान में उतरे और फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले को घसीटा। इतना ही नहीं, आदर्श आचार संहिता की दुहाई देकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को भी नियुक्तियां रोकने के लिए पत्र तक लिखा, जिसका नतीजा सबके सामने है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।